क्या आप भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने यूट्यूब की वीडियो को लिंक लगाते हो, पर जैसे ही कोई आपकी स्टोरी पर क्लिक करता है कोई बंदा और आपके लिंक पर क्लिक करता है तो सीधा वह यूट्यूब ऐप की बजाय ओपन होने की बजाय सीधे ब्राउजर में ओपन हो जाती है, जिससे 90% लोगों की जो आईडी जो होती नहीं ब्राउजर में ओपन नहीं होती, जिससे वो आपके वीडियो पर ना ही लाइक कर पाते हैं और ना ही कमेंट कर पाते हैं। तो उसका सही तरीका क्या है और कैसे कैसे स्टोरी लगानी है जिससे कोई बंदा आपकी स्टोरी पर क्लिक करे तो सीधा यूट्यूब के ऐप में ओपन है, तो उसके लिए जो है ना वीडियो जो पूरा वॉच करना है, थोड़ा सा भी स्किप मत करना वरना आपकी कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए जो है ना वीडियो अभी से कर दो लाइक एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने इंस्टाग्राम में, तो इंस्टाग्राम पे क्लिक करो और इधर से जो है ना तो सबसे पहले जो है ना अपनी स्टोरी पे क्लिक करें। स्टोरी पे तो जैसे जो है ना हम कोई से भी स्टोरी यानी कि जो भी हमारी वीडियो का थंबनेल है, यानी अगर आपकी वीडियो होगी तो थंबनेल तो होगा ही, तो यहाँ से हम कोई भी थंबनेल स्टिकर जो कुछ भी ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप चलते हैं अपने यूट्यूब में और यूट्यूब में जाने के बाद जो है ना अपनी वीडियो का जो लिंक जो कॉपी करते हैं, तो मैं जैसे यूट्यूब ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जो है ना अपना चैनल सर्च करता हूँ मिस्टर अनीस, तो इधर से जो है ना तो ये कोई सी वीडियो को जो है 3 डॉट पे क्लिक करके और शेयर पे क्लिक करके और उधर से जो है ना लिंक इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कट कर देंगे, तो ठीक है ना। तो इसके लिए जो है ना स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ ये लिंक एरिया इस पे क्लिक करें और इधर जो है इसको पेस्ट कर दें और इसको जो है ना इधर से डन कर दें, ठीक है ना। तो उसका साइज जो है बड़ा छोटा कर दें। तो हम लोग ने जो आप लोग जो है इस तरीके से जो स्टोरी लगाते हो, तो ऐसे में जो है ना आप इसको इस तरीके से जो है ना हम शेयर कर देंगे। तो फिर डन कर देंगे एंड हमारी स्टोरी जो है लगना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी स्टोरी जो है ना लग चुकी है। तो ऐसे में कोई बंदा आता है और इस पर क्लिक करता है, तो ऐसे में ठीक है ना बंदा इस पर क्लिक करेगा इस तरीके से और लिंक जो ओपन करेगा, तो ऐसे में जो वीडियो ओपन होगी ना वो ब्राउजर में जाकर ओपन होगी, उससे 90% लोग जो होते हैं उनकी आईडी ओपन नहीं होती ब्राउजर में, इस वजह से ना ही वो आपकी वीडियो को जो इस तरीके से लाइक कर पाएंगे और ना ही सब्सक्राइब कर पाएंगे। जैसे वो लाइक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सिंग योर आईडी, ठीक है ना, सब्सक्राइब पर क्लेंगे क्लिक करेगा तो तब भी ऑप्शन आएगा सिंग योर आईडी। तो ऐसे में कोई बंदा आपकी वीडियो देख तो लेगा बट आपकी वीडियो को ना ही लाइक कर पाएगा चाहेगा तब भी और ना ही सब्सक्राइब कर पाएगा। तो उसका सही सही तरीका क्या है, तो इसके लिए जो ना गाइस तो इसके लिए जो ना सबसे पहले जो ना इधर आएँ और गूगल पे जाएँ, ठीक है ना, और गूगल में सर्च करें ऐप ओपनर। तो इस तरीके से ऐप ओपनर जो ना सर्च कर देना आप, तो उसके बाद ये ना फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, ठीक है, इस पर क्लिक करें। और इधर आने के बाद जो है ना जो भी आपके वीडियो हो जिसका भी लिंक आप अपनी स्टोरी में लगाना चाहते हो तो उसका लिंक जो इधर पेस्ट कर दें, तो उस तरीके से लिंक पेस्ट कर दें। एंड इसके बाद भी है ना ग्रीन कलर के नीचे आ रहा है जनरेट लिंक, इस पर क्लिक कर दें। जैसे कैप्चर का ऑप्शन आ गया तो जर नहीं है, इधर आप लोगों को जो है ना कैप्चर डाल देना, तो मैं कैप्चर जो डाल देता हूँ DR। एंड कैप्चर डालने के बाद जो है ना वेरीफाई पर क्लिक कर दें और जैसे जो गाइस आपका लिंक जो है ना जितना भी लंबा लिंक हो गया शॉर्ट में हो गया और जनरेटर लिंक हो गया, तो इसके ठीक है ना, तो इसके जो ना कॉपी पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर लिंक जो ना कॉपी हो चुका है, तो उधर से जो ना इसको कट कर दें एंड कट करने के बाद जो ना फिर से अपने इंस्टाग्राम में जाए इस तरीके से। तो स्टोरी वाले आइकन पर क्लिक करें एंड ये वाली स्टोरी जो है ना तो मैं इसको जो रिमूव कर देता हूँ इधर से। तो उस तरीके से डिलीट पर क्लिक करके ना मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड जो अब स्टोरी कैसे लगानी है आप लोगों को वो ध्यान से देखना है, तो इसके लिए जो है ना गैलरी पे क्लिक करें और जो भी आपका थंबनेल हो वीडियो को जो भी इस तरीके से क्लिक करें और इसको थोड़ा सा जो छोटा कर लें, ठीक है ना, एक सेकंड क्या आ गया ना। तो उस तरीके थंबनेल को अपने हिसाब से कस्टम करना छोटा या बड़ा, तो उसके लिए ठीक है ना। तो इसके लिए जो है ना
लिंक पे क्लिक करा और इधर से जो है ना जो आपने लिंक अभी कॉपी किया था गूगल से यानी कि जो वेबसाइट से क्लिक वो कॉपी किया था वो लिंक जो इधर पेस्ट कर दें। और इसके पेस्ट करने के बाद में इधर ठीक है ना तो ये कस्टमाइज स्टिकर टैग्स इस पर क्लिक कर दें एंड जो भी आपको लिखना है फास्ट या फिर क्लिक हियर आप जो भी अपने हिसाब से लिख सकते हो जिससे कोई बंदा आपको लिंक पर देगा तो आप लिख रहे क्लिक फास्ट जो भी तो वो जल्दी ही क्लिक कर देगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लिक फास्ट ठीक है ना तो इस तरीके से लिख देता हूँ इसको जो है डन कर दें। तो ये हमारा लिंक जो इधर आएगा तो इसे छोटा बड़ा जितना भी आप चाहो इस तरीके से कर सकते हो ठीक है ना। तो फिर से जाना हमें स्टिकर वाला आइकन में एंड इधर उधर सर्च करना है क्लिक हियर इस तरीके से सर्च करते हैं और आपके सामने बहुत सारे स्टिकर जो आ जाएंगे आप अपने हिसाब से जो कोई भी स्टिकर ले सकते हो। तो जैसे कि मैं ये वाला ले लेता हूँ ठीक है ना तो इसको जो है ना इस तरीके से छोटा या बड़ा कर दें इस तरीके से ठीक है ना। देखो ये थंबनेल के ऊपर आएगा तो हम तो दूसरे स्टिकर लेते हैं तो मैं उसको जो हटा देता हूँ क्योंकि थंबनेल को ऊपर आ रहा है ना तो थंबनेल जो पूरा देख नहीं रहा तो इसके लिए जो है ना यहाँ पे क्लिक करें फिर वो क्लिक हियर पे क्लिक करें मैंने इधर से जो ना ये ले लेते हैं ये वाला इस तरीके से ले लें इसको थोड़ा सा तो जूम कर दें इस तरीके से तो इस तरीके से हो गया एंड गाइस इसके बाद जो ना शेयर पे क्लिक कर दें शेयर पे क्लिक करने के बाद जो डन पे क्लिक कर दें इस तरीके से फिर से डन कर दें। तो ये जो ना हमारी जो स्टोरी जो वो लग के एकदम तैयार हो गई अब ठीक है ना। तो जैसे कोई बंदे इस पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद जो ना आपके लिंक पे क्लिक करेगा इस तरीके से लिंक ओपन करेगा तो जो आपका लिंक होगा ना वो YouTube के ऑफिशियल ऐप में जाकर ओपन होगा इस तरीके से। क्या आप तो इस तरीके से जो है ना तो इस तरीके से ओपन होगा एंड जैसे जो बंदा जो भी होगा वो आपके आपके वीडियो को लाइक भी कर पाएगा इस तरीके से और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर पाएगा। ऐसे ही आप जो ये लिंक जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे आने के फेसबुक या कोई भी है ऐसे हम आप जी लिंक जो पेस्ट कर दोगे नहीं या कमेंट कर दोगे कि कहीं पे भी डाल दोगे तो जैसे ही बंदा इस पर क्लिक करे वो सीधे आपके अपने यूट्यूब के ऐप में आएगा क्योंकि सब लोग की आईडी तो ओपन रहती है यूट्यूब में तो ऐसे में आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर पाएगा और लाइक भी कर पाएगा। तो ऐसे ही आप जो ना स्टोरी लगाने सीख गए तो इस तरीके से आप जो स्टोरी लगाना ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।